Okay, students, we are continuing food and health. Vitamins करने हैं ना, हमने fats तक कर लिया था. Okay. Vitamins are of two types. दो तरह के vitamins होते हैं. एक है water soluble vitamins and दूसरा है fat soluble vitamins. एक होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, दूसरे होते हैं जो fat में घुलते हैं. ठीक है. वॉटर सॉल्युबल विटामिन्स. अब वॉटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? दीज आर दोज विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन वॉटर एंड शुड बी टेकन इन द रेगुलर डाइट एज इट इज सिक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ओके. जो विटामिन्स पानी में सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये पानी में घुल जाते हैं. ओके. तो ये हमें रेगुलर डाइट में लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये एज अ यूरिन, यूरिन की फॉर्म में ये हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं. जैसे कि विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं. ठीक है. और ये हमें वेरियस बीमारियों से, डिसीजेस से बचाते हैं. ठीक है. कहते हैं ना विटामिन सी लेना चाहिए. विटामिन सी, कभी भी कोई बीमार होता है तो उसको मौसमियां खिलाई जाती है, उसको कीवी खिलाई जाती है, उसको आंवला दिया जाता है. क्यों? क्योंकि ये रिच इन विटामिन सी होते हैं. ठीक है. ऑरेंजेस दिए जाते हैं, रिच इन विटामिन सी होते हैं. विटामिन सी क्या करता है? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी बॉडी में डिसीजेस को से हमें बचाने में हेल्पफुल होता है. तो रोज आपको अपनी डाइट में विटामिन सी तो जरूर लेना ही चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन सी. विटामिन्स, वो विटामिन जो फैट में घुल जाते हैं, हमारी फैट्स में घुलते हैं, वो विटामिन है विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे कि विटामिन ए डी ई एंड के. दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस सच एज मेकिंग रेड ब्लड सेल्स. किस लिए जरूरी होते हैं ये? रेड ब्लड सेल्स बनाने में और बोन टिश्यू बनाने में, रोल इन नॉर्मल विजन, आंखों की रोशनी में बढ़ाने में, नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए और इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए ये सारे विटामिन जो हैं वो जरूरी होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज जैसे कि कौन से हैं? विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल होता है. किसमें हेल्पफुल होता है? नजर बढ़ाने में, रोशनी, आंखों की रोशनी बढ़ाने में, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मींस न्यू जनरेशन को पैदा करना, बच्चे होना. ठीक है. वो जो कैपेबिलिटी होती है ह्यूमन बीइंग्स में, उसको बढ़ाते हैं, उसमें हेल्पफुल होते हैं. बोन्स की हेल्थ बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, और स्किन को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है विटामिन ए. विटामिन बी जो है वो क्या करता है? हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, बोन्स को मतलब शक्ति देता है. बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है विटामिन डी से. कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. अब विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? धूप से. सबसे ज्यादा सनलाइट से जो है विटामिन डी जो है हमें मिलता है. विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं. कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी बहुत जरूरी होता है. ठीक है. और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में. इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाता है, उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं. ठीक है. और विटामिन ई जो है वो क्या करता है? इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में और टॉक्सिन्स, मतलब जो हमारी बॉडी में जहर बनता है ना, टॉक्सिन बनते हैं, उनको बाहर निकालने में विटामिन ई जो है वो हेल्पफुल होता है. विटामिन के जो है वो क्या हेल्पफुल है? ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जैसे कि खून निकलता है, जब वो थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक लेयरिंग सी हो जाती है ना, एक खून का थक्का सा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है. उसमें भी जो विटामिन के है वो हेल्पफुल होता है. फिर है बोन्स की हेल्थ बढ़ाने में विटामिन के जो है वो हेल्पफुल होता है. ओके. अब डेफिशिएंसी डिसीजेस कौन से हैं? विटामिन ए जो है वो उससे कौन सी बीमारी? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. विटामिन बी जो है ना, विटामिन बी में कुछ आगे है विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, ठीक है, B9, B13 ऐसे करके हैं आगे.
विटामिन B1 से बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन B2 से कैलोसिस हो जाता है, कमी से होते हैं ये, डेफिशिएंसी डिसीज है, ठीक है। कभी भी आपको पूछा जाए ना कि विटामिन की कमी से होने वाले डिसीजेस को क्या बोलते हैं, तो वो होते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से क्या हो जाता है, पलेगरा। विटामिन B6 की कमी से अनीमिया, कन्वर्जन हो जाते हैं। विटामिन B7 की कमी से हेयर लॉस और रेड रैशेस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। विटामिन B9 की कमी से अनीमिया हो जाता है, B12 की कमी से प्रीनिशियस अनीमिया हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से सकर्वी हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन ई की कमी से स्टोलिटी, एंड विटामिन के की कमी से हेमोरेजिक। तो ये सारी बीमारियां हैं जो इन विटामिन की कमी के वजह से हमें हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि अपने खाने में न्यूट्रिएंट्स को एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में लेना चाहिए। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें इस तरह के ये सारे जो डिसीजेज हैं ये हमें हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मिनरल। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।